नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आखिरी महारानी इस पुस्तक की चर्चा करूंगा। यह एक उपन्यास है जिसकी रचनाकार हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरोड़ी। चित्रा अंग्रेजी में किताबें लिखती हैं और यह उनके चर्चित उपन्यास द लास्ट क्वीन का हिंदी अनुवाद है। अनुवाद किया है नीलम भट्ट ने। आखिरी महारानी जो उपन्यास है यह रानी जिंदा की कहानी है। रानी जिंदा जो खालसा की पहचान है, जो खालसा की माता के रूप में एक दौर में चर्चित रही, महाराजा रंजीत सिंह की खूबसूरत पत्नी थी। हालांकि उनका जन्म स्वानों के शाही प्रशिक्षक की बेटी के रूप में हुआ था। स्वान मतलब उनके परिवार के लोग शाही परिवार के कुत्तों की देखभाल करते थे और वहाँ महाराजा रंजीत सिंह से उनकी किस तरह से मुलाकात हुई। और वह जिंदा कौर जो है वह महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी और आखिरी रानी बनी। वे सबसे प्रिय रानी थी। इस उपन्यास की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु शैया पर आखिरी सांस लेने के दौरान होता है और जो उनके बेटे जब 6 साल के थे रणजीत सिंह और जिंदा के बेटे, तब उनको अप्रत्याशित रूप से यह विरासत कैसे मिली और वो पंजाब की महारानी कैसे बनी, यह उपन्यास उसकी बात करता है। यह उपन्यास बताता है कि खालसा परिवारों में, पंजाब के परिवारों में, या पंजाब का जो गठन हम आज देखते हैं, जो जितना बड़ा पंजाब, पंजाब साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने जब की थी तो किस तरह से पंजाब के दूसरे सूबे, दूसरे राजा विरोध कर रहे थे, किस तरह से रणजीत सिंह के परिवार में दूसरी जो रानियां थी उनके बीच एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव था, किस तरह से महामंत्री और सेनापति के बीच आपसी द्वंद चल रहा था और उन सब के बीच सबकी महत्वाकांक्षाएं किस तरह से उफान पर थी। और उन्हीं स्थितियों में जब गोद में थे दिलीप सिंह, तब किस तरह से उनको हिमाचल के एक राजघराने में उसी राज्य के एक अधिकारी द्वारा मदद मिली और किस तरह से जम्मू के रजवाड़े, हिमाचल के रजवाड़े, पंजाब के रजवाड़े, पंजाब के लोकल जमींदार, स्थानीय जमींदारों की षड्यंत्रों के बीच वे न केवल दलीप सिंह को गद्दी पर स्थापित कराने में सफल रही बल्कि उनकी संरक्षक के रूप में उन्होंने पंजाब का राजकार्य भी संभाला। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली, अंग्रेजों की नज़र वहां पर थी। अंग्रेजों ने जब पंजाब पर कब्जा किया, रानी जिंदा को उन्होंने बेदखल कर दिया, एक तरह से राज्य की सीमा के पार भेज दिया, किस तरह से उनको कोलकाता भेजा गया, दिलीप सिंह से उनको अलग कर दिया गया, दिलीप सिंह को ब्रिटिश साम्राज्य ने लंदन भेज दिया। जिंदा कौर के बारे में तमाम तरह की कुप्रचार और गलत बातें कही गई। कोलकाता से भाग के किस तरह से उन्होंने नेपाल में शरण ली, नेपाल से फिर वो एक बार जो है आती हैं और कोलकाता में उनकी जब मुलाकात होती है किशोर दिलीप सिंह से, तो उस समय तक दिलीप सिंह ब्रिटिश परंपराओं में इतने ज़्यादा रंग चुके थे कि माँ को पहचानने में गलती हुई। लेकिन बचपन की उनकी यादें, अपने माँ की यादें और उस दौर की यादें उनके पास थी। यह उपन्यास अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हड़पने के लिए जो षड्यंत्र था, महारानी के रूप में जिंदा का जो साहस था, उनका जो पराक्रम था और उनका जो विश्वास था, किस तरह से उन्होंने फिरंगियों से न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि उन षड्यंत्रों का भी सामना किया जो उनके पति की मृत्यु पर उनके सामने आया था, और देश निकाला के बीच यह एक महाराजा की एक मामूली लड़की से प्रेम की भी एक कहानी है जो निष्ठा
और धोखे के बीच माँ बेटी के करुण रिश्ते को भी उजागर करती है। यह उपन्यास 19वीं सदी के सबसे निडर महिलाओं में से एक रानी जिंदा की कहानी है। इसे पढ़ते हुए आपके सामने समूचा वह परिदृश्य सामने आ जाता है जिससे पंजाब बना। इसमें स्वर्ण मंदिर भी है, इसमें खालसा का की देशभक्ति और उनका पराक्रम भी है। 1864 में नासिक में यह उपन्यास खत्म होता है। इसके जो प्रमुख चरित्र हैं उसमें महाराजा रणजीत सिंह रानी जिंदा कौर, महाराजा दिलीप सिंह, फकीर अजीजुद्दीन रानी गुड्डा, जवाहर सिंह, लाल सिंह, डोगरा बंधु गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुबेच्छेद सिंह हैं। 1839 में लाहौर से यह उपन्यास शुरू होता है और नासिक में 1864 में जाकर खत्म होता है। कुल 350 पृष्ठों को अपने में समेटे यह उपन्यास मंजुल पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित हुआ है। मूल्य है 499 रुपए। बहुत ही उम्दा अनुवाद इसका किया है नीलम भट्ट ने। इस उपन्यास को उन्होंने जिस तरह से लिखा है मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो पंजाब को समझना चाहते हैं, पंजाब की राजनीति को समझना चाहते हैं, पंजाब के गौरवशाली अतीत को समझना चाहते हैं और कोहनूर की कहानी को भी समझना चाहते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। देखते रहें साहित्यता। धन्यवाद।